वफाकी हुकूमत की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देने के लिए आईनी तरमीम लाने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए वज़ारत कानून के मुताबिक आइन के आर्टिकल 1 और 51 में अहम तब्दीली करने का फैसला कर लिया गया है, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान जल्द पाकिस्तान का सूबा होगा, जिसके लिए आइन के आर्टिकल 257 और 258 में भी तब्दीलियाँ की जाएंगी। जबकि ये फैसला गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए किया गया। आइन में की जाने वाली इन तब्दीलियों के बाद गिलगित बल्तिस्तान बहुत जल्द पाकिस्तान का 5वां सूबा बन जाएगा, जिसके हवाले से बाकायदा ऐलान वजीर आजम इमरान खान की तरफ से जल्द कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमूर के वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने चंद रोज कब्ल बताया था कि तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद वफाकी हुकूमत ने उसूली फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को इसके आईनी हकूक दिए जाएंगे, जिसका हमारी हुकूमत की तरफ से वहाँ के लोगों से वादा किया गया था। तहम वहाँ के शहरियों को गंदम और टैक्स की मद में दी जाने वाली रियायत को बरकरार रखा जाएगा, जबकि सी पैक के सिलसिले में वहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर भी काम शुरू हो चुका है। वफाकी वजीर ने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान में रहने वालों को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फरहमी के लिए अस्पतालों को MRI और CT स्कैन मशीनें भी दी जाएंगी, जबकि बाबूसर टॉप के मकाम पर सुरंग भी बनाई जाएगी, जिससे इलाके में सफर करने के लिए सारा साल ही सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी।